मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल जेआरसन टेक। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि हम सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और सेलिंग डिपार्टमेंट ऐसा एक प्रोफेशन है जिसको आपको ग्रोथ देने में बहुत हेल्प करेगा। सेलिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी हिसाब से पैसा कमा सकती हो। तो इसको इसका भी एक कोर्स है, इसका एक सिलेबस है, उसको भी कुछ नॉलेज है जिसको आप जिसे आपको जानना जरूरी है। तो सेल्स को जानने के लिए मैं आज आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला बताना चाहूँगा जो है स्पिन फॉर्मूला। स्पिन फॉर्मूला ऐसा होता है कि इसका एक जो फोर वर्ड ऐसा क्या होता है जिसे आपको हेल्प करेगा। एस फॉर सिचुएशनल क्वेश्चन। आपको पहले उनको कोई भी कस्टमर को समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन करना जरूरी है। जब उस कस्टमर को समझ जाएंगे तब उसको आप प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ आप बेच सकती हो, आपका इंडस्ट्री भी बेच सकती हो। तो उनको कुछ चीज़ देने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कस्टमर को। तो समझने के लिए ये चार क्वेश्चन सबसे आसान करेगा आपको। पहला क्वेश्चन होता है स्पिन फॉर्मूला। स्पिन फॉर्मूला का पहला क्वेश्चन होता है एस फॉर सिचुएशनल क्वेश्चन। आप लोगों को सिचुएशनल क्वेश्चन पूछिए, उनका परिस्थिति के बारे में जानिए, वो कौन सा परिस्थिति में है, क्या समझ रहे हैं, क्या उनका इच्छा है और उस परिस्थिति में उनका क्यों नहीं पूरी हो पा रहा है। इस सिचुएशन को आप समझिए, कौन सा सिचुएशन में वो है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को अपने माँ बाप ने चाहता है कि उस डॉक्टरी पढ़ाने के लिए, लेकिन डॉक्टरी पढ़ाने के लिए तो वो चाहते हैं लेकिन सिचुएशन ऐसा है वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो इसको समझना होगा कि सिचुएशनल क्वेश्चन कैसा होता है। और प्रॉब्लम क्वेश्चन सेकंड आती है, प्रॉब्लम क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या समझना है आपको, उनका क्या प्रॉब्लम है जिसे वो पूरी नहीं कर पा रहे। जैसे उनका इनकम कम है, जैसे उनका खर्च ज़्यादा है, इसी तरह उनका जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम क्वेश्चन को पूछ समझना है आपको। थर्ड जो क्वेश्चन आती है वो इम्प्लीकेशन क्वेश्चन। इम्प्लीकेशन क्वेश्चन ज़्यादातर समय आपको नेगेटिव रास्ता में ले जाना है उनको। उनका आने वाले समय में कैसा परिस्थिति खराब होने वाले हैं, आने वाले समय में आज से वो कुछ नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में उनका क्या समस्या हो सकती है, इससे समझने के लिए आपको इम्प्लीकेशन क्वेश्चन को भी पूछना है। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछना है, जो पॉजिटिविटी देना है आपका पास, जो है आपका पास, इससे उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये नीड पे ऑफ क्वेश्चन पूछना है। इसे ज़्यादातर समय आप उनको पॉजिटिव महसूस कराना है, ज़्यादातर समय आप उनको रिलैक्स कराना है, ज़्यादातर समय ये उनका जीवन में जो समस्या है उसका समाधान वो आपका पास है उनको समझाना है, फिर जाके आपका पास जो प्रोडक्ट है, जो सिस्टम है, जो भी चीज़ें आप उनको बेच सकते हैं। इसीलिए आपको ये चार क्वेश्चन जरूर पूछना है। पहला क्वेश्चन है सिचुएशनल क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है प्रॉब्लम क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है नीड पे ऑफ क्वेश्चन। ये चार क्वेश्चन पूछ के उस कस्टमर को समझ के आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह बेहतरीन सेल्स की ट्रेनिंग जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और